My dear friends, God speaks to us in a still small voice to strengthen us. मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें बलवंत करने के लिए एक धीमी आवाज में बात करते हैं। But even when he whispers in a small voice, लेकिन जब वो धीमी आवाज में हमें फुसफुसाते भी हैं, Oh, great power fills our heart. तो महान सामर्थ हमारे हृदय में आते हैं। And his words thunder within us. उसके वचन हमारे अंदर गरजते हैं। And gives us strength. और हमें बल देते हैं। That God is within us. कि परमेश्वर हमारे अंदर है। And 2 Chronicles 14:11 is what God is whispering to us today. आज हमारे हृदय में परमेश्वर जो वचन उच्चार रहे हैं वह है दूसरा इतिहास 14 के वचन 11 से। The Bible says, O Lord, there is none like you to help between the mighty and the weak. वचन कहता है, हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन के भी। There is nothing that can compare to your help, Lord. हे यहोवा, तेरी सहायता की कोई तुलना नहीं। You help both the weak and you are the helper of the mighty. तो शक्तिहीन को भी सहायता करता और सामर्थी को भी। You help everyone. तो हरेक की सहायता करता है। Everyone needs you. हरेक को तेरी आवश्यकता है। We can understand God helping the weak people. जब परमेश्वर शक्तिहीन की सहायता करे हम समझ सकते हैं। God is the defender of the weak. क्योंकि वो शक्तिहीन को बचाता है। But do the mighty need God's help? लेकिन सामर्थी को परमेश्वर की सहायता चाहिए। That question comes to us, isn't it? ये प्रश्न हमारे सामने आता ही है। Yes, my friends, even the mighty need the help of God. हाँ मेरे मित्रों, सामर्थी को भी परमेश्वर की सहायता चाहिए है। When a deadly disease strikes us like cancer. जब कैंसर जैसा मृत्युकारी कोई बीमारी आए किसी को, it makes even the mighty weak. तो सामर्थी जन भी जो है शक्तिहीन हो जाता है। When there is great hurricanes coming. जब बहुत बड़ा तूफान आता है, both the weak and the mighty are helpless. शक्तिहीन और सामर्थी दोनों ही असहाय हो जाते हैं। There are problems much greater than any human strength, power or possession. ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जो मनुष्य के सामर्थ और शक्ति के नियंत्रण के बाहर हैं। And so we all look to help from someone extraordinary. इसलिए हम किसी असाधारण से सहायता की अपेक्षा करते हैं। King Nebuchadnezzar. राजा नबुकदनेज़र, one of the greatest kings in the world. जो संसार का सबसे महान राजाओं में से था. He was so mighty in all the treasures of the world. जिसके पास संसार के सबसे बड़े खजानों में से एक था. So mighty in having a huge army. जिसके पास एक बहुत बड़ी सामर्थ्य सेना थी. So many victories. जिसमें अनेक जय पाए. Big empire. बड़ा साम्राज्य था. He had the greatest name. उसका नाम सबसे बड़ा था. But a dream came to him at night and greatly disturbed him. लेकिन एक रात एक स्वप्न हुआ और उसको बहुत विचलित कर दिया. And he was running about asking for help from anybody who can explain the dream. और वो उस स्वप्न का अर्थ जानने के लिए भागता फिर रहा था कि कोई क्या उसे उससे बताएगा. But only one man could answer. लेकिन केवल एक व्यक्ति उसका उत्तर दे सका. A man filled with the wisdom of God. एक मनुष्य जो परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण था. And God spoke through Daniel to this king Nebuchadnezzar. और इस राजा नबुकदनेज़र से परमेश्वर ने दानियल के द्वारा से बातचीत की. What the dream was about and what was about to happen. कि वो स्वप्न क्या है और क्या होने वाला है. And Nebuchadnezzar fell before this wisdom of God. और परमेश्वर के इस बुद्धि के सामने नबुकदनेज़र नतमस्तक हुआ. Yes, my friends. हाँ मेरे प्रिय मित्रों, God's help is mighty. परमेश्वर की सहायता सामर्थी है. God's wisdom is mighty. परमेश्वर की बुद्धि सामर्थी है. And he says, "Today I'm here to help you." और वो कहता है, आज मैं तेरी सहायता करने के लिए हूँ. What more do we want, my friends? मेरे मित्रों, हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? God's help is ready to come upon us. परमेश्वर की सहायता हमारे लिए तत्पर है. Shall we receive it? आइए हम इसे प्राप्त करें. Shall we honor it? आइए इसका आदर करें. Lord, we thank you because your help is on my side. प्रभु, आपका धन्यवाद क्योंकि आपकी सहायता मेरी ओर है. What more do I need, Lord? प्रभु, मुझे और क्या चाहिए? I don't need to go and stand before any man. मुझे किसी मनुष्य के सामने जाने की आवश्यकता नहीं. Before any power. न किसी शक्ति के सामने. Or look to the left or the right for help. या फिर मैं सहायता के लिए दाहिने और बाएं ताकूं. Because this great God is ready to help. क्योंकि ये महान परमेश्वर सहायता के लिए तत्पर है.
We call out to you, Lord. हम आपको पुकारते हैं प्रभु. Show us mercy. हमें दया दिखाएं. Show us mercy. हमें दया दिखाएं. You favor all your children who call upon you, Lord. आपको पुकारने वाले बच्चों पर आप अनुग्रह करते हैं. So right now answer them. इसलिए आप अभी उत्तर दें उन्हें. With your mighty miracles. अपने महान चमत्कार के साथ. With your mighty wonders. अपने सामर्थ्य चमत्कार के साथ. Turn around their situation, Lord. उनकी परिस्थिति को बदल दे प्रभु. Release every blessing that you have planned for them. हर एक आशीष जो आपने उनके लिए सोची उसे सक्रिय करें. Open the doors which are shut, Lord. उनके लिए बंद दरवाजों को आप खोल दें प्रभु. And do a miracle for your children. और अपने बच्चों के लिए चमत्कार करें. Give them the victory, Lord. आप उन्हें विजय दें प्रभु. Give them the success, Lord. आप उन्हें सफलता दें प्रभु जी. And lift them up, Master. और आप उन्हें उठाएं स्वामी. Thank you for your power is working in them. धन्यवाद क्योंकि आपकी सामर्थ्य उनमें सक्रिय है. You're honoring your children who have looked to you for help. और आप अपने बच्चों का आदर कर रहे हैं जो आपसे सहायता चाहते हैं. Thank you for your help, Lord. आपकी सहायता के लिए धन्यवाद. We receive it in Jesus' name. हम उसे यीशु के नाम में स्वीकारते हैं. Amen. आमीन. This great help from God has come upon you, my friends. मेरे मित्र, परमेश्वर से महान सहायता आपके ऊपर आई है. You will see His hand working for you. आप उसके हाथ को अपने लिए कार्य करता देखेंगे. Send your testimonies also to us in this email below. हमें नीचे दिए गए ईमेल पर अपनी गवाहियां निश्चय ही भेजें. And thank God for this help. और इस सहायता के लिए ईश्वर का धन्यवाद करें.